मोबाइल यूजर यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के ऑप्शन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लें और मेरी लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। Hey, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, देखने में आपको लग रहा होगा कि ये मैंने अपने फोन से जो है पिक्चर को प्रोजेक्ट किया है, यानी कि देखने में ऐसे ही लग रहा होगा कि ये प्रोजेक्ट हुई है, हमने अपने फोन से जो है इसे या किसी भी प्रोजेक्टर से जो है हमने इसे प्रोजेक्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, देखने में ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कूल लुक नजर आ रही है और लग ऐसे ही रहा है कि जिसे हम किसी भी प्रोजेक्टर से इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जबकि दोस्तों, ये एक फोटो एडिटिंग ऐप से जो है मैंने एडिट किया है। और अगर दोस्तों आप लोग भी अपनी पिक्चर में ऐसी कूल अमेजिंग एडिटिंग करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देखते रहिएगा। तो चलें दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और आपको इस ऐप को जो है वो इंस्टॉल करना है फेस प्रो प्रोजेक्टर के नाम से। फेस प्रोजेक्टर के नाम से जैसे आप सर्च करेंगे दोस्तों, आप ये ऐप जो है वो सर्च हो जाएगा। आपने इसका आइकॉन देख लेना, इसी को आपने डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। चलिए यहीं से इसे ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही कूल, बहुत ही अमेजिंग जो है वो पिक्चर फ्रेम से वो आपको देखने को मिल जाएंगे। लगेगा ऐसे ही दोस्तों आपको कि आप किसी प्रोजेक्टर से जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी किसी भी पिक्चर को। तो आप इसमें से कोई भी जो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करवा सकते हैं। चलिए मैं एक पिक्चर को आपको जो है वो एडिट करके दिखा भी देता हूँ। चलिए हम इस फ्रेम को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपने जो है वो गैलरी में से अपनी कोई भी पिक्चर जिसे आप एडिट करना चाहते हैं आपने जो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको सारे फोल्डर आपके देखने को मिल रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं इस पिक्चर को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर फ्रेम में आपकी पिक्चर जो आ जाएंगी। दो फ्रेम होंगे अलग अलग, आपने इन्हें जो अपने फिंगर से जो है वो जूम इन और जूम आउट कर लेना है। आप फोन के अंदर इसको जो है वो सेट कर लें अपने हिसाब से, जहां भी आप सेट करना चाह रहे हैं। लेफ्ट साइड की तरह इसी तरह राइट साइड पे भी दोस्तों आप अपनी मर्जी से इसे जूम इन और जूम आउट करवा कर जो है वो सेलेक्ट करवा सकते हैं। आप यहां पर अच्छे से दोस्तों टू फिंगर से जो है जूम इन और जूम आउट करवा कर उसे अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी जगह पे लोकेशन पे सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद सिंपली दोस्तों यहां पर सबसे नीचे जो है सेव की ऑप्शन है और यहां पर ऊपर भी कुछ ऑप्शन है। अगर आप उसे जो फ्रेम देना चाह रहे हैं तो कोई और भी यहां से फ्रेम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली सेव के ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ पर शेयर की ऑप्शन आपको नजर आ रही होगी, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप कहीं पर भी इसे जो है वो शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर वॉलपेपर बना सकते हैं, फेसबुक पर, मेल में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं पर भी। और यहाँ पर सेंटर में मोर है, मोर पे आप क्लिक करें। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम कहीं पर भी इसे सेंड कर सकते हैं। चले मैं यहाँ पर व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ, अपने दूसरे नंबर पे मैं इसको सेंड कर देता हूँ जो मेरे मोबाइल में दूसरा नंबर है मेरे व्हाट्सएप का। और यहाँ पर हम सेंड पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख लें बहुत आसानी से जो सेंड हो चुकी है। तो यहाँ पर आप अपनी गैलरी में इसे सेव कर सकते हैं। तो ये देखें काफी अच्छी, काफी अमेजिंग लुक लग रही है। देखने में ऐसे ही लग रहे दोस्तों कि आप अपने फोन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह ये पिक्चर भी बहुत ही अच्छी लुक आ रही है इसकी भी देखने में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी बहुत ही अच्छी लुक नजर आ रही है। इस तरह से दोस्तों आप अपनी पिक्चर्स को जस्ट 2 मिनट में जो है वो एडिट कर सकते हैं और देखने में ऐसे ही लगेगा कि आपने अपने मोबाइल से उसे प्रोजेक्ट किया हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करें और उसके साथ में बेल की ऑप्शन को क्लिक करके इनेबल कर दें ताकि जब भी कोई भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली देख सकें। तो देखते रहें, सीखते रहें नई नई चीजें।